ये सब्जी एकदम से ना टेस्टी सब्जी आप घर पर ही बनाए, एकदम से ना टेस्टी सब्जी बनाकर खाए, वो भी हेल्दी और बहुत टेस्टी, वो भी बहुत कम सामान से। तो आइए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ममिता सामी कुकिंग चैनल में। तो आज फिर से हम एकदम से ना पूरा बेहतरीन नए रेसिपी के साथ आए हुए हैं दोस्तों। नोनी के साग से, इसको खुरपा भी बोला जाता है, कुल्फा भी बोला जाता है, सॉरी खुरपा बोल दिए, कुल्फा बोलते हैं किसी किसी जगह पर। ते है मटर के दाल, हरे मटर के दाल है, इसको पूरा 2 घंटा पहले सोख करके रख दिए थे फूलने के लिए। तब इसको हम ले लेते हैं पानी में, इसको 2 से 3 पानी अच्छे से ऐसे खड़ा धोएंगे। एक देखिए, एक जो नोनी है पतला वाला आता है, पत्ता वाला, ये चौड़ा पत्ता वाला है, ये भी बहुत बढ़िया टेस्टी बनता है दोस्तों। एक बार ज़रूर बना कर खाइएगा, घास फूस समझ कर फेंक मत दीजिएगा। इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, प्रोटीन्स होता है, पूरा कैल्शियम होता है, बहुत सारा होता है इसमें, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। ज़रूर बनाइएगा आप लोग, मार्केट में भी ये आ रहा है, मिल रहा है अभी के सीज़न में। ये तो मैं मार्केट से नहीं खरीद के लाई हूँ, ये तो मुझे पूरा हार्वेस्ट कर लिए हैं खेत के, आंगन के, खेत के गार्डन से। ले लीजिए, अच्छे से इसको काट लिए, हम इसको साइड में रखते हैं। अब मसाला में हम क्या लेंगे, जीरा और मिर्च, ज़्यादा नहीं, 10-12 मिर्च है, 1 चम्मच जीरा है, और छिलका सहित लहसुन है। तब इसको सील को धो लेते हैं, सील पर पीसते हैं हम कभी भी, तो अच्छे से सील पर डालकर बढ़िया से इसको पीस लेते हैं दोस्तों। एकदम आसान रेसिपी है, ज़रूर आप लोग एकदम से नाजमाइएगा। आप पिसा हुआ जीरा और मरी से भी बना सकते हैं इसको। तब यहाँ पर चढ़ा लिए हैं कढ़ाई चूल्हे पर, आप तेल डाल लेते हैं अच्छे से, इसमें 3 चम्मच के करीब। अब इस पर डाल लेते हैं मेथी दाना, डालकर अच्छे से सुनहरा होने तक पूरा चटका लेते हैं। अब यहाँ पर ले रहे हैं छिलके सहित पूरा लहसुन और अदरक, इसको दरदरा कूट कर लिए हैं। यहाँ पर डाल लेते हैं हरी मिर्च और प्याज, साथ ही में काट के रख लिए थे, तो अच्छे से सुनहरा होने देते हैं बढ़िया से इसको। ये देखिए बहुत बेहतरीन एकदम से ना प्याज लहसुन और मिर्ची पूरा सुनहरा हो गया, जो जीरा मिर्च और लहसुन के पेस्ट बना के रखे हैं वो अब इसमें हम डालकर भुनाई कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर डाल लेते हैं 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला। अब यहाँ पर कश्मीरी मिर्च डाल लेते हैं, कलर के लिए डाल रहे हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा मिर्च नहीं होता है क्योंकि हरी मिर्ची बहुत तीखा है, इसलिए लाल मिर्ची नहीं डाल रहे हैं हम। तो अच्छे से इसको भून लेते हैं 2 मिनट के लिए, तब स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल लेते हैं। अब तुरंत जो है नोनी के साग वो हम इसमें डाल लेते हैं, डालकर इसको बढ़िया से चला लेते हैं, और साथ ही में डालेंगे जो हरे मटर के दाल भिगो के रखे हैं उसको भी, तब यहीं पर दाल को डाल लेते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है, आपके पास चना के दाल है तो चना दाल भी भिगो कर बना सकते हैं, मसूर दाल है मसूर दाल में भी भिगो कर बना सकते हैं, मूंग दाल है मूंग दाल में भी बना सकते हैं इसको, अखा मूंग में भी बना सकते हैं। बहुत हेल्दी लगता है, बहुत हेल्दी है दोस्तों, अब बहुत टेस्टी है दोस्तों। अभी तक मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट ढक कर पका लेते हैं। दे लीजिए 10 से 12 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं हम, बनकर तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए
पानी डाले थे हम, पूरा सूख गया है पानी। पास से दिखा देते हैं एकदम से ना, जो पानी है पूरा सूख गया है एकदम से ना। बहुत बेहतरीन नोनी के सब्जी बनकर तैयार हुआ है। तो ये लीजिए हमारा पूरा टेस्टी सा एकदम से ना, बहुत हेल्दी बहुत एमी सब्जी नोनी का साग के और मटर के दाल के बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। ये देखिए पास से दिखा रहे हैं। अगर दोस्तों ये नोनी के सब्जी वाला रेसिपी आप लोग की अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नोनी के साग के सब्जी की रेसिपी आप लोग की कैसी लगती है। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। जय हिंद जय भारत।